बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। पंजाब की ओपन मार्केट के अंदर आज अनाज की इस रेट के ऊपर सेल हो रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। मंडियां आज तकरीबन बंद हैं, तो बाहर जो पल्लेदार हजरात हैं या जो फड़ियां लगाते हैं, वो किस रेट के ऊपर तमाम अनाज ले रहे हैं आपको बताते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मकई की, तो जो पुरानी मकई है उसके रेट के अंदर कमी देखी जा रही है। आज 2050 रुपए तक 10 से 12 मॉइस्चर की मकई ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। अगर वंडा क्वालिटी मकई की बात की जाए तो 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरे का रेट 3300 से लेकर 3350 रुपए तक। अगर तिल और तिली की बात की जाए तो तिल और तिली जो है वो 17000 से लेकर 17500 रुपए तक। इसी तरह मूंजी की बात की जाए धान की, तो धान की जो कीमत है उसके अंदर भी आज कमी देखी गई है। 1509-1692 4000 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक। कपास की बात की जाए तो कपास का जो रेट है वो 7000 से लेकर 7600 रुपए तक। इसी तरह एरी फैन एरी सिक्स की अगर बात की जाए तो 3000 रुपए से लेकर 3200 रुपए 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सुरख मर्च की अगर बात की जाए तो सुरख मर्च का जो रेट है वो तकरीबन 9000 से लेकर 12000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। गुड़ और शक्कर 6000 से लेकर 8000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह काली सरसों की अगर बात की जाए तो काली सरसों जो है 6000 से लेकर 6500 रुपए तक फरोख्त हो रही है। पीली सरसों की बात की जाए तो 6500 से लेकर 7000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह गंदम की अगर बात की जाए तो गंदम का जो रेट है 4400 से लेकर 4450 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ये तमाम तर रेट्स आपको ओपन मार्केट के दिए गए हैं। ओपन मार्केट के रेट गल्ला मंडी से 400 से 500 रुपए कम होते हैं। आपका इलाका कौन सा है, आपके इलाके के अंदर क्या रेट है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।